जिनकी सरकार है वो लोग इसमें शामिल हैं, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए, बिहारियों को मारने के लिए, कि ये राज पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, इसलिए इनका जो भी आरोप है बेबुनियाद है। ये भाजपा के लोग देश न प्रदेश के लोगों के से, इनको केवल राज करने से और पूंजीपतियों से मतलब है, इसके अलावा इनके वो किसी से मतलब नहीं। बिहार में हो रही जहरीली शराब से मौत को लेकर अब आरजेडी ने नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। नीतीश कुमार से यह मांग किया गया है कि जिस प्रकार से जहरीली शराब से मौत हुई है, तो वो जो टैंकर आया है, जिस टैंकर से जो लोगों ने शराब पी है वो उत्तर प्रदेश से आया है, इसकी गंभीर तरीके से जांच करवानी चाहिए और इसका पता लगवाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा घटना जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। इस तरह की बातें आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक भाई वीरेंद्र कह रहे हैं। नीतीश कुमार से बड़ी मांग किया उन्होंने, सुनवाते हैं इस बयान को। नहीं, ये दुखद बात है। देखिए, ये दुखद बात है, लोगों की मौत हुई है, बहुत दुखद बात है। मैं उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन एक बात जो हमें विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि ये कंटेनर, एक ही कंटेनर आया है, जो उस कंटेनर से जो भी शराब लोग पिए हैं उनकी मौत हुई है या बीमार हैं और मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं विरोधी दल के लोग, जो यूपी में जिनकी सरकार है, वो लोग इसमें शामिल हैं बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए, बिहारियों को मारने के लिए, कि ये राज पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, इसलिए इनका जो भी आरोप है बेबुनियाद है। और मैं राज्य सरकार से, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, हमारा मांग है कि वो कंटेनर की जांच कराएं, कि वो कंटेनर जो जहरीली शराब लेकर आया था बिहार के लोगों को मारने के लिए, उसमें जो लोग भी शामिल हो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तब जाकर पता चलेगा, ये दूध का दूध पानी का पानी सब पता चल जाएगा। ये भाजपा के लोग देश न प्रदेश के लोगों के से, इनको केवल राज करने से और पूंजीपतियों से मतलब है, इसके अलावा इनके वो किसी से मतलब नहीं। पहले भी मरते आए हैं सर शराबबंदी से, तो सब में भाजपा ही जिम्मेवार है। नहीं, ये जो अभी आया है, जो विशेष रूप से मौत हुई है, और कंटेनर का जो पता चला है, वो कंटेनर कहाँ से आया है, कौन लोग लाए हैं, और उसी कंटेनर से जो भी लोग भी शराब का सेवन किए हैं उनकी मौत हुई है या बीमार हैं। सर, एक बार नीतीश कुमार शराबबंदी के लिए सबसे सारे विधायक से पूछने वाले हैं कि क्या फिर से इसे चालू किया जाए या नहीं चालू किया जाए, ऐसे सूचना है। अब आपको क्या सूचना है, हमको नहीं मालूम है। सरकार ने कानून बनाया है, सरकार ने कानून बनाई है, तो सब लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर, और पूरे प्रदेश में हम लोगों ने, सभी दल के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया था कि हम लोग इसके पक्षधर हैं, शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा वाले क्या हैं, भाजपा वाले देश की सेवा करना चाहते हैं थोड़ी, राज करना चाहते हैं और पूंजीपतियों के साथ मिलकर और खाली विदेशों का दौरा करना चाहते हैं। भाई वीरेंद्र जी, जब आप विपक्ष में थे तो उस समय भी जहरीली शराब से मौत हुई थी और जब अभी भी हो रही है, तो उस समय आप नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहे थे, तो क्या अब इस तरीके की घटना हुई तो क्या नीतीश? देखिए, जब जब भी कब जो भी बातें होती है, और जब हम विपक्ष में थे तब भी सही बात बोलते थे, और आज सत्ता पक्ष में हैं तब भी सही बात बोलते हैं। उस समय भी हम लोगों ने शराब, जहरीले शराब से जो लोग की मौत हुई है, जाँच में मैं भी गया था, कई जिलों में जांच भी किया था, लेकिन इस तरह की बात नहीं हुई थी कि एक कंटेनर से आया और गांव का लोग, इलाका का इलाका लोग मर गया, ऐसा नहीं हुआ था।